नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा भविष्यवाणी गलत साबित कर दूं, फिर जो तुम कहोगे वही होगा, वही करूंगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए, आप सभी के भविष्य के लिए और आप सभी के वर्तमान जीवन काल के लिए किस्मत का वो सितारा साबित होने वाले हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में देखा करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने यह बात तो हर लोगों के मुंह से सुनी होंगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परंतु दोस्तों, आपको इन बातों पर कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो रहा था कि दोस्तों आपने पिछले समय में जितने भी समस्याएं झेली है, जितने भी आपने कष्ट झेले हैं दोस्तों, उनमें आपको किसी ने भी सहारा नहीं दिया है। दोस्तों, आप जीते हैं खुद से ही और आप हारे हैं खुद से ही। लेकिन दोस्तों, कोई अगर आपको सहयोग ना करे तो आपको जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, ऐसा हर व्यक्ति के जीवन काल में होता है कि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी लगता था कि ये सब बातें सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये सब कहानियों की बातें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते रहते हैं, अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहते हैं दोस्तों, उनके जीवन काल में भले ही देर हो लेकिन ईश्वर का चमत्कार एक न एक दिन जरूर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में वह ईश्वर का चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तब आपको यकीन होगा कि सच में ईश्वर की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी की आंखें खोलने वाले समय साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों ईश्वर का दिया आपको वह खजाना मिलेगा, ईश्वर का दिया आपको वह महत्वपूर्ण समय मिलेगा जिनमें दोस्तों आप तरक्की के नाव पर दौड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के नाव का रफ्तार यशमय बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईश्वर के साथ साथ ग्रहों ने भी अपनी चाल बदल ली है, जिनके कारण दोस्तों आपको बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे लाभ मिलने वाले हैं जो दोस्तों आने वाले आपके बहुत समय तक आपके सारे आर्थिक तंगियां, सारे कर्ज, सारे प्रकार की समस्याओं को क्षण में दूर कर देंगे। बशर्ते दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोस्तों हर चीज यूं ही बैठे बैठे नहीं मिलते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमें मेहनत भी करनी होती है, हमें दोस्तों कोशिश भी करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, और यश में जब आपने पिछले समय बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं और जब उनका फल पाने की बारी आपकी आ चुकी है, जब भगवान आपको उनका फल देने वाले हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको भी सतर्क और संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में ऐसी गलती इंसान से ही होती है जो कि दोस्तों उनके सुख में विघ्न और बाधाएं आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको कुछ लोगों से बचकर रहना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उपायों को आपको करना होगा ताकि दोस्तों ईश्वर की देवी शक्तियां का स्पर्श आपको हमेशा मिलती रहे। आने वाले समय में आपके जीवन काल में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो सब समाप्त हो जाए और माता लक्ष्मी का, महाबली हनुमान जी का और आपके इष्ट देव का शुभ आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में हमेशा प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए एक मूल मंत्र, जीवन का वरदान साबित होगा। दोस्तों, अगर आप इन्हें अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों इस बात की तो गारंटी है कि आपके जीवन काल में बदलाव तो होगा, साथ ही साथ दोस्तों ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे। आपको ये बातें बिल्कुल ही ध्यान से सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों जो भी माँ लक्ष्मी के, जो भी भगवान हनुमान जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल में आपको नए रास्ते प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आपको एक नए रास्ते दिखाएंगे, जिन्हें दोस्तों जानकर आपको बहुत ही अच्छा अनुभूति होगी और दोस्तों इनसे आपको अपने जीवन काल में बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इन बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जीवन में 2 चीजों का कभी भी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। किसी के सुख के कारण बनो भागीदार नहीं और दुख में भागीदार बनो कारण नहीं। तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको सच्चा लगा हो, इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे।
तो आइए दोस्तों भविष्य के साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं, कौन कौन से कार्यों में आपको लाभ मिलने वाले हैं, आपके घर के माहौल में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से कौन कौन से सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे सभी बातें पूरे विस्तार से। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय आपके धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आस्था आपको वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगी। दोस्तों आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे तथा बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप पर भी आपका अधिक ध्यान यश में रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए कुछ फायदेमंद स्थितियां भी बन रही है और इनमें आप अच्छी सफलता को भी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां भी आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपने अभी तक अब कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है। दोस्तों यह स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों आपकी जीत की वजह से परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आर्थिक मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियां भी बनी हुई है, क्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल यश में करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान व फिर आत्मबल यश में बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपको अपने गुस्से व फिर चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी इसकी वजह से आपका स्वभाव जिससे होगा कि आपको कुछ दिक्कतें भी खड़ी कर देंगी। दोस्तों आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि दोस्तों आपकी समस्या की जड़ यही हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अभी तक बर्बाद किए वक्त और ऊर्जा की वजह से यश में आपको पछतावा भी होगा, लेकिन दोस्तों जो बातें हो गई है उन बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए आपको बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप योजना ठीक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही है, इसलिए दोस्तों यश में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें, इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क की दायरा भी यश में बढ़ने वाले हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होंगी, घर में धार्मिक कार्य संपन्न होते और योजना भी बन सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ना आपको इसमें खुशी और सुकून दोनों देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें कभी कभी कोई नकारात्मक बातें भी आपके ऊपर हावी होने की वजह से मनोबल में कमी आएगी, तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अपने स्वभाव को इसमें पॉजिटिव बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कोई भी कार्य करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा जो है समय हाथ से भी निकल सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आपको मिले अनुभव द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है, यह बात आपको अच्छे से पता है, और दोस्तों इसी बात का फायदा इसमें उठाते हुए आप पुराने रिश्तों में बदलाव भी ला पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रिश्तेदारों के साथ हो रहे मनमुटाव को मिटाने की आपको कोशिश करनी चाहिए और यश में आपकी कोशिश भी कामयाब रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान संबंधी कोई भी शुभ समाचार यश में आपको मिल सकता है। दोस्तों हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो आप सभी समस्याओं का हल भी प्राप्त करेंगे और काम में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे यश में आपके पास आएंगे और आपको जो है अच्छे साबित करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में उनके संबंध भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यश में दिखाव के चक्कर में आप अधिक खर्चा कर सकते हैं, इनसे आपको यश में बचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी से अगर कोई वादा किया है या फिर किसी को आपने कुछ वचन दिया है तो दोस्तों इन्हें अवश्य पूरा करें।
और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि जो मौके आपने गलती से खोए थे वही मौके फिर से आपको प्राप्त होंगे। इस बार दोस्तों आपको अधिक जागरूकता दिखाकर मिले हुए अवसर को फायदा में बदलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बने हुए जो भी नकारात्मक दृष्टि है इन्हें दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों योग मार्गदर्शन के साथ अपने जो है प्रयत्न में जारी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और दोस्तों इनसे आपको सफलता भी इसमें प्राप्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों साझेदार के व्यवसाय में इसमें वह गति पकड़ेंगे। साथ ही दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों से भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा। लेकिन दोस्तों अपनी योजनाओं को जो है कुछ बदलाव लाने में आप प्रेरित कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपको अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव इसमें लाना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ऑफिस का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यह समय सारा दिन बाहर की गतिविधियों में भी व्यतीत होगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में उचित सफलता भी इसमें आपके हासिल होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें नौकरी में कुछ विस्तार संबंधी योजना भी बन सकती है। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन या फिर तबादला की स्थिति भी बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों शेयर तथा रिस्क परिवर्तन से इसमें आप दूर रहें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर आपको ध्यान को भी केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए नई योजनाएं बनाने के लिए समय आपके पक्ष में उतना नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में परिवर्तन संबंधी आपको जो भी प्रयास है इसमें सफल रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ की लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें संतान की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी में तनाव रह सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही कोई सफलता आपको इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी इसमें आ सकता है। पारिवारिक वातावरण भी इसमें खुशनुमा बना रहेगा, इसलिए दोस्तों इसमें आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, उनमें आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम संबंधों के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणित होने का अवसर भी मिल सकता है। बच्चों के जो है अनुशासन में रहने की वजह से घर का माहौल भी इसमें खुशनुमा रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि काम के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी आप अपना सहयोग अवश्य दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवाओं का विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और यश संबंध प्रेम संबंधों में भी जो है तब्दील यह समय हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके सेहत की, तो दोस्तों यश में पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। इसकी वजह से आपको सिर्फ अनियमित खान पान ही नहीं हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन भी लेना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके सेहत के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा। मौसम में बदलाव की वजह से कुछ आलस और सुस्ती भी आपके ऊपर हावी रह सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय कैसे रहेंगे। दोस्तों जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनसे संबंधित दिक्कतें आ सकती है। यश में आपको किसी भी कार्य को करने से पहले तनाव से मुक्त होना चाहिए, इसलिए दोस्तों यश में आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।